All right, guys. So today I'm just going to talk about work problems. अब देखो, work problems के नाम से वाकई में जो लग रहा है वही होता है कि जो काम वाम हो रहा होता है ना, उसके मुतालिक क्वेश्चन होता है कि कितनी देर में काम कंप्लीट होगा, या इतनी देर में वो कितना काम कर लेगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. सही है. सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव लाइक ब्रोकन डाउन दैट होल टॉपिक इनटू अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स, एंड देन वी विल बी लुकिंग एट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दोज कॉन्सेप्ट्स, ताकि फिर हम अपना जल्दी से ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लें. सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू सी इज प्रोपोर्शंस. अब देखो, प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है. प्रोपोर्शंस बेसिकली इन ईजियर लैंग्वेज इट मीन्स दैट हाउ डज अ क्वांटिटी रिएक्ट टू अ चेंज इन अदर क्वांटिटी. सही है. तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. तो देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है. देखो, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलता है कि इफ देर इज़ एन इंक्रीज इन क्वांटिटी वन, इफ क्वांटिटी वन राइजेज, क्वांटिटी टू ऑटोमेटिकली राइजेज. ठीक है. अगर क्वांटिटी वन में इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी टू में भी इंक्रीज होगा, या फिर अगर क्वांटिटी वन में इंक्रीज नहीं हो रहा, अगर क्वांटिटी वन में कोई इंक्रीज नहीं है बल्कि उल्टा डिक्रीज है, अगर क्वांटिटी वन में डिक्रीज है तो क्वांटिटी टू में भी डिक्रीज होगा. अच्छा, और ये जो डिक्रीज होगा ना, या ये जो इंक्रीज होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इंक्रीज या फिर दिस डिक्रीज ही होगा. मतलब ऐसा नहीं है क्वांटिटी टू में खुद ब खुद डिक्रीज हो जाए, पहले इसमें इंक्रीज होगा तो इसमें भी इंक्रीज होगा, अगर इसमें डिक्रीज होगा और इसमें भी डिक्रीज होगा. तो बेसिकली व्हाट आई कैन से अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज बोथ द क्वांटिटीज चेंज इन द सेम डायरेक्शन. अच्छा जी, सो ये वाली बात समझ आती है. ठीक है. सो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे. इसके एग्जांपल्स होंगे, फॉर एग्जांपल, इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द नंबर ऑफ चेयर्स विल ऑल्सो बी मोर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई इंक्रीज द पीपल इन हाउस, लाइक द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस, सो द कंजम्पशन विल ऑल्सो इंक्रीज. If I drive my car more, so अगर गाड़ी की माइलेज बेटा बढ़ेगा तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी बढ़ेगा. ठीक है ना भाई. तो ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो देन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन. अब देखो यार, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या सीन है. इनवर्स प्रोपोर्शन इज अ प्रोपोर्शन जहाँ पे If there is an upward, मतलब if there is an increase in quantity वन, there is a decrease in quantity टू. मतलब अगर quantity वन में भाई increase आ रहा है तो quantity टू में क्या होगा, decrease आएगा. लेकिन अगर यही quantity वन में decrease आ रहा है तो quantity टू में क्या होगा भाई, quantity टू में increase आ जाएगा. तो basically I can say that both the quantities are in opposite direction. मतलब both of them react in opposite direction. ठीक है जी, ये वाली बात समझ आती है भाई सबको कि both quantities react in different direction. तो इसका example क्या होगा. अब इसका सबसे best example ये होता है कि for example, if I increase the number of laborers at a construction site, अगर मैं लेबर्स बढ़ा दूं तो बेटा नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब वुड डिक्रीज. मतलब नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब वुड डिक्रीज. ठीक है. तो सो लाइक दिस इज हाउ इनवर्स प्रोपोर्शंस वर्क, के वन क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस. ओके गाइस, सो प्रीवियसली आई टॉक्ड अबाउट के हाउ डू वी व्हाट
proportions are and what are directly direct proportions and what are inverse proportions. अब बात करते हैं कि how do we solve the questions involving these. ठीक है ना भाई. तो देखो भाई, अगर workers हैं और फिर days हैं, तो देखो अगर 21 लोग काम करते हैं सवाल में तो 20 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाता है. अब नाउ दे वांट द वर्क टू बी डन इन 12 डेज. तो यार दैट मींस कि अगर देखो डेज अगर कम हो रहे करने हैं तो भाई वर्कर्स को बढ़ाना पड़ेगा. ऐसा ही है. तो दैट मींस बोथ द क्वांटिटीज आर ऑपरेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी इनवर्स प्रोपोर्शन. अब देखो जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में ऑपरेट करेगा, सो दैट मींस इट्स गोइंग टू बी. अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में बचपन से हमने क्या सीखा है कि भाई जब भी कभी यूनिटरी मेथड या फिर कंपेयरिंग द वैल्यूज़ मेथड यूज़ हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन बेटा ये इनवर्स है तो इनवर्स में आप सामने सामने मल्टीप्लाई करते हो. व्हेन इट्स डायरेक्ट देन यू कैन मल्टीप्लाई, देन यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. बट व्हेन इट्स इनवर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द एडजेसेंट क्वांटिटी. सो दैट मीन्स 21 ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 21 इंटू 20. तो यार अब देखो 21 इंटू 20 देता है भाई 420 एंड एक्स अपॉन 12. तो 420 डिवाइडेड बाई 12 वुड गिव मी 35. अब यार मेरे पास कैलकुलेटर की प्रिविलेज है, सो यू गाइज नीड टू सॉर्ट इट आउट फॉर योर सेल्फ. अच्छा जी, सो गाइज नाउ लेट्स जस्ट लुक एट अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज देयर इन दिस टॉपिक विच इज़ रेट्स. अब यार रेट्स क्या है? रेट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ अ क्वान्टिटी इज देयर इन रिलेशन टू अ यूनिट ऑफ अनदर क्वान्टिटी. बेसिकली मकसद क्या है? मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से दैट के 215 रुपीज़ 215 पर लीटर इज़ वॉट द रेट ऑफ पेट्रोल इज़. दैट मीन्स के when I give 215 of rupees, I can get 1 liter of petrol. So rates are, you know, basically all around us. Rates का बस आसान सा मतलब ये समझना है यार कि एक चीज़, एक quantity with respect to one unit of another quantity कितना है. सही है. So let's just write it down. Rate is how much of one quantity with respect to one unit of another quantity. This is like the most basic example you're going to get. For example, agar rupees 250 ka dollar hai to rupees 250 or of $1, to ye rate ho gaya dollar ka. Alright guys, so let's just look at this question from the worksheet. It says that 7 printers can produce 420 prints in a minute. At that rate, how many prints would 30 printers produced in 5 minutes? अब यार देखो, पहले तो ना रेट समझते हैं, रेट है क्या. अब देखो पर मिनट जो है ना, पर मिनट अगर बात करें तो 420 प्रिंट्स निकाल लें, लेकिन वो 7 प्रिंटर निकाल लें. तो अगर पर मिनट मुझे पर प्रिंटर रेट निकालना होगा तो वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो अब मुझे क्या, वन क्वांटिटी मुझे क्या चाहिए, वन प्रिंटर पे चाहिए. रेट क्या बताया था कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की एक यूनिट के हिसाब से कितनी है. ऐसा ही है. तो लेट्स सपोज अगर मैं प्रिंटर निकालता हूँ कि प्रिंटर का पर प्रिंटर क्या रेट है, तो देखो पर प्रिंटर मेरा रेट क्या आएगा, रेट पर प्रिंटर वुड बी, rate per printer would be 420 upon 7. That means it's going to be 60 per printer, and this is also of course per minute too. So अब मुझे per minute पर convert करने की ज़रूरत नहीं, because वो per minute पर ही है. मतलब है कि 60 pages एक printer print कर रहा है, one printer per minute. एक printer 60 words print कर रहा है एक मिनट में. तो बेटा अब देखो सवाल क्या है, द क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी प्रिंटर्स वुड 30 प्रिंटर्स प्रोड्यूस इन 5 मिनट्स. तो यार पहले ये चेक करते हैं दैट हाउ मेनी प्रिंटर्स
how many printers would 30 printers, how many prints would 30 printers get in a minute? Let's just take that. So if 60 pages are printed by one printer in a minute, so 60 ko, let's just multiply with 30. So that means it's going to become 1800 prints by 30 printers in a minute. In a minute. अब बेटा यही डेटा मुझे चाहिए, 5 मिनट के लिए आंसर चाहिए ना कि 5 मिनट्स में कितने होंगे. तो 1800 प्रिंट्स बाय 30 प्रिंटर्स इन अ मिनट है, तो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5 मिनट्स, सो वी विल गेट 9000 प्रिंट्स. सो दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर भाई. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स जस्ट लुक एट क्वेश्चन 5. इन क्वेश्चन 5 इट सेज दैट अ प्रिंटर कैन बिल्ड अ सोफा इन 3 डेज. What fraction of the sofa will be built in 1.5 days? अब देखो यार, सोफ़ा और डेज दो चीज़ें हो रही हैं. अब रेट क्या है, 3 दिन में एक सोफ़ा बनता है, सही है. सो लेट्स जस्ट राइट इट दिस वे कि डेज एंड सोफ़ा. सो 3 डेज इट टेक्स टू मेक वन सोफ़ा. नाउ इफ यू हैव 1.5 डेज, सो हाउ मेनी सोफ़ाज विल बी मेड. अब यार देखो, देर आर टू वेज टू look at this question. Either you can solve it through the way you solve rates, ya phir proportions ke through bhi kar sakte hain. Proportions are also a form of rates. To dekho bhai, 3 din mein ab unhone bata diya ki bhai 3 din mein ek sofa banta hai, to 1.5 days mein kitna banega. Of course kam hi banega na 1.5 days mein, so that means this is a direct proportion ka question. Cross multiply hoga, ab now it will become 3x equals to 1.5, x is equals to 1.5 over 3 which is 1.5 divided by 3. To simplify it, it would become 15 upon 10 divided by 3. Then this is going to become 15 upon 10 multiplied by 3, which will be 15 upon 30, which is 1 over 2. Simple. So guys, now let's just look at this question. This question says that A can finish a job in 2 days, B can finish the job in 3 days, and C can finish it in 6 days. How many days will it take to finish the job when A, B, and C are working together? Ab dekho, the thing is, what's happening in this question is that we need to first see that if A is doing a job solely, so he takes 2 days. C, B agar wohi kaam karta, to he takes 3 days. But if C is doing that job solely, so he's taking 6 days. But now if all of them come together and they are like, yaar, let's suppose ab hum ye sab teeno log milke ye kaam ek hi kaam karte, pehle wo sab alag alag yehi ek pura kaam kar rahe the, but now ab wo teen milke ek kaam karte, to phir unko kitna time lagega. To yaar ab ye cheez unitary method wagaira in sab se nikalne mein badi mushkil hoti hai, to iska ek simple sa formula hai. सही है. अब वो क्या फार्मूला है, लेट्स जस्ट लुक एट दैट फार्मूला. देखो, अगर हाउ मेनी पीपल आर देयर, देयर आर 3 पीपल, राइट, देयर आर 3 पीपल इन्वॉल्व, तो दैट मीन्स देयर आर सपोज टू बी 3 फ्रैक्शंस. ये याद रखने वाली बात है. अब देखो, टाइम ए टेक्स टू कंप्लीट द जॉब इफ ही वर्क स्लोली, हाउ डू वी राइट दैट आउट, 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B प्लस 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर X. ये फार्मूला है भाई. अब ये फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, बेसिकली मकसद क्या है बेटा इस फार्मूले का, कि देखो 1 ओवर A क्या है? मतलब है कि इफ टाइम टेकन बाय A इफ ही वर्क्स सोलली, ऐसा ही है. Same is with this B and this C. Time taken by C, time taken by C, and this is time taken by B, sorry, and this is C. तो देखो, अब ये तीनों ने जब individually काम करा तो कितना time लिया, तो आपने क्या करा, 1 upon that time, 1 upon the time taken by B if he works slowly, 1 upon the time taken by C if he works slowly is equals to 1 upon X. तो बेटा ये x क्या है, दिस x इज टाइम टेकन इफ दे वर्क टुगेदर ऑन द सेम जॉब,
फॉर द सेम टास्क, मतलब वो सब आ गए इकट्ठे और उन्होंने बोला अब हम ये सब मिल के ये काम करेंगे. तो बेटा हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अब नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस एग्जांपल. ये इसकी फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन है. सो इट्स गोइंग टू बी 1/2 प्लस 1/ द टाइम टेकन बाय बी इज 3 प्लस 1/6 टाइम टेकन बाय सी. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट दिस एक्स. अब देखो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स बिकॉज दिस एक्स शोज द टाइम टेकन इफ दे वर्क टुगेदर. सो इट्स गोइंग टू बी 2 × 3. पहले एलसीएम ले लो भाई. 2, 2, 6, 6. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 + 2 + 1. सो इट्स गोइंग टू बी 6 हो गया यहाँ पे. एंड देन 1/x हो गया. तो 3 + 2 + 1 इज 6, 6/6 = 1 और ये 1/x है. अब देखो यार इसको अगर हम रेसिप्रोकेट भी कर देते हैं सो इट्स गोइंग टू बिकम 6/6 = x. क्यों? क्योंकि अगर आप इस साइड को रेसिप्रोकेट करते हो तो आपको इसको भी करना ज़रूरी है टू बैलेंस इट आउट. लेकिन इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं फॉर दिस क्वेश्चन. देन वी नीड टू कैंसिल इट आउट एंड x इज बी इक्वल्स टू 1. सो बेसिकली 1 day वुड बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट दिस जॉब इफ दे वर्क ऑल टुगेदर इन दिस. सो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे सिर्फ दो, अगर लेट्स सपोज सी इनके साथ आता ही नहीं एंड ए और बी मिलके काम करते तो अब क्या होता? तो देखो यार ए और बी अगर मिलके सिर्फ काम करते ना और अगर सी आता ही नहीं इनके साथ सो इट वुड बी फार्मूला वुड बी 1/A, 1/B. क्योंकि अब देखो दो लोग मिल रहे हैं, 2 people, 2 fraction, ठीक है? तो दो लोग मिल रहे हैं इज इक्वल्स टू 1/x. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इस केस में भी x ही चाहिए कि टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी इफ दे वर्क टुगेदर, राइट? तो टाइम टेकन बाय ए कितना है? ए का टाइम है 1/2 + 1/3 = 1/x. अब देखो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करो. सो दिस वुड बी 3 + 2/6/1 = 1/x. सो दिस वुड बी 5/6 = 1/x. अब यहाँ पे सीन क्या है? हमें तो देखो x चाहिए ना. वी नीड टू फाइंड आउट दिस x. वी डोंट नीड हैव टू फाइंड आउट 1/x. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रेसिप्रोकेट. सो दिस वुड बिकम 6/5 = 1/x. देन इट वुड बिकम 1. दिस वुड बिकम 1x/1. सो देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2 days. तो मतलब 1.2 days चाहिए इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए अगर a और b साथ मिलके काम करते हैं. अच्छा जी, सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. आदिल टेक्स 20 minutes टू वॉश हिज कार. हिज ब्रदर जमील टेक्स 1/2 times, दैट मीन्स 1.5 times एज मच टाइम एज आदिल टू वॉश द कार. इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी मिनट्स विल दे टेक टू वॉश द कार. मतलब यार आदिल और उसका भाई है वो गाड़ी मिलके धो रहे हैं. आदिल अगर 20 मिनट ले रहा है तो उसका भाई 1.5 times ज़्यादा ले रहा है. तो बेसिकली अब हमें ये फाइंड करना है. अब देखो वहाँ पे क्वेश्चंस थे आवर्स में, तो हमें फाइनल आंसर भी आवर्स में देना था, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी. यहाँ पे क्या गुड सीन है, यहाँ पे हमें फाइनल आंसर देना है मिनट्स में. तो वी डोंट हैव टू डू कि कन्वर्ट करो आवर में कि 1/A तो 1/hours ए टेक्स टू कम्प्लीट, आदिल टेक्स टू कम्प्लीट. तो इसका फॉर्मूला बेसिकली होगा क्या? अब इसका फॉर्मूला होगा ये 1/ आदिल का टाइम प्लस 1/ हिज ब्रदर. अब ये जो ब्रदर वाला जो ये जो टाइमिंग्स डालने एंड इज इक्वल टू इफ दे वॉश इट इज इक्वल टू 1/ इफ दे वॉश इट टुगेदर. सो इफ दे वॉश, ओके. सो नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन द क्वेश्चन वॉज टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग्स इन आवर्स. तो इसलिए मैंने ए के आवर्स डाले थे, बी के आवर्स डाले थे, सी के आवर्स डाले थे और फिर फाइनल आंसर के वो अगर साथ मिल के काम करते तो उसको भी आवर्स में निकाल लिया था. लेकिन यहाँ पे अगर मुझे आवर्स में नहीं चाहिए, मुझे क्या मिनट्स की बात कर रहा है, तो देखो दैट शुडंट अफेक्ट माय फार्मूला या फिर मुझे कोई कन्वर्जन नहीं लगानी होगी. क्योंकि देखो उसको फाइनल आंसर भी मिनट में चाहिए, तो मतलब ये वाली वैल्यू भी मिनट में चाहिए ना उसको. तो बेसिकली ये भी मिनट में डाल दो, ये भी मिनट में डाल दो, आवर की कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही नहीं है. वरना फिर एंड में जाके क्या करना पड़ेगा इसको भी, फिर ना अगर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर वापस में जाके सबको अगर आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये कुछ क्वांटिटी बन जाएगी और ये वाला भी फिर आवर्स में आएगा आंसर और फिर यार फिर उसको बाद में जाके मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इट्स बेटर दैट वी जस्ट टेक इट इन मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी 1/20. अब 1
एंड अ हाफ टाइम्स ले रहा है, तो यार 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20 करो तो ये आता है 30. कैसे आता है 30? 15 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 10 2 तो 30 हो गया. तो दैट मीन्स 1/30 मिनट्स लगते हैं इसको, क्योंकि इसको 30 मिनट्स लगते हैं जॉब कंप्लीट करने में. सो नाउ लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद 3 एंड दिस विद 2. सो इट्स गोइंग टू बी 3 प्लस 2 ओवर 60, राइट? या ओवर 60. सो दैट मीन्स 1/x, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 5/60 इज इक्वल टू 1/x. सो देन दिस इज गोइंग टू बी 60/5, क्योंकि हमें तो x चाहिए, हमें तो द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स देम टू वॉश द कार इफ दे वर्क टुगेदर चाहिए, दैट इज x. तो बेसिकली 5 1 5 5 12 x इज इक्वल टू 12 मिनट्स, दैट्स योर आंसर. तो इस केस में आंसर वुड बी डी. So guys, let's just read this question. It says that Fareed takes 4 hours to do a job. Amin, his friend, wants to join and they want to complete the job in 2 whole 6/9 hours, which is basically 2 hours 40 minutes. At what rate does Amin need to work? So now if they need to calculate the rate at which Amin needs to work to complete this job, like if they work together all, if they work on this all together. Ab dekho yaar, scene ye hai ki हमें ना बेसिकली ये पता है कि यार फरीद अगर अकेले काम करता है तो वो 4 घंटे लगाता है, लेकिन अगर अमीन उसके साथ आ जाता है और वो दोनों मिल के साथ काम करते हैं तो 2 whole 6/9 hours में वो अपनी जॉब कंप्लीट कर सकते हैं. बट नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट एट व्हाट रेट एट व्हाट पेस अमीन इज़ वर्किंग, बिकॉज फरीद इज़ सो गुड दैट ही कम्प्लीट दिस जॉब ऑन हिज ओन इन 4 hours, बट वी डोंट नो एट व्हाट रेट फरीद इज़ वर्किंग, अमीन इज़ वर्किंग, सॉरी. फरीद का तो रेट हमें पता है. So basically the same formula would be used, but now the subject would be something else. देखो 1/ अमीन का टाइम है, सॉरी 1/ फरीद का टाइम है, 1/ फरीद प्लस 1/ अमीन, बट इफ दे वर्क टुगेदर वी नो दैट दे आर गोइंग टू कम्प्लीट दिस जॉब इन 2 whole 6/9. तो 2 whole 6/9 ये होता है यार बेसिकली 2/3 होता है, तो 6, 3 2 is 6. And 6 plus 2 is 8. So 8/3 basically. So basically 8/3 लिख देते हैं. तो फरीद का टाइम कितना है? फरीद का टाइम है भाई 4. अमीन का टाइम है, वी डोंट नो, वी नीड टू फाइंड आउट कि अमीन किस रेट पे काम कर रहा है. देन वी कैन जस्ट सिंपली डू इट दिस वे. सो इट गोइंग टू बिकम लपला करे 3/8, 1/4 प्लस 1/ अमीन. अब देखो यार अमीन को सब्जेक्ट बनाना है तो 1/ अमीन यहाँ रखते हैं. And let's just make it 3/8 minus 1/4. So 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो. सो देन दिस इज़ गोइंग टू बिकम 1/ अमीन इज इक्वल्स टू 3 minus 2 upon 8, विच इज़ बेसिकली 1/8. बट वी नीड टू फाइंड आउट अमीन का रेट, सो वी कैन रेसिप्रोकेट इट एंड अमीन वुड बी इक्वल्स टू 8 hours. कि अमीन अगर 8 hours पे काम करता होगा अकेले, अगर वो जॉब कंप्लीट करना चाहेगा तो उसको 8 hours लगेंगे. सो दिस इज द रेट दैट वी वर लुकिंग फॉर. सो एक्स एंड वाई कैन फिनिश अ जॉब इन 3 hours and 4 hours रिस्पेक्टिवली. बेसिकली एक्स एक जॉब कंप्लीट कर सकता है 3 घंटे में और वाई एक जॉब कंप्लीट कर सकता है 4 घंटे में. इफ दे वर्क टुगेदर ऑन दिस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कुड बी डन इन 1 hour? अब देखो यार बेसिकली मकसद ये नहीं है यहाँ पे सवाल का कि वो दोनों साथ मिलेंगे तो कितनी देर में काम कंप्लीट कर लेंगे, बट दे जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि 1 घंटे में वो कितना काम कर सकते हैं. तो देखो आपको ना अब फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे बता देता हूँ. देखो इफ इट सेज दैट अमीन वो एक्स एंड वाई कैन फिनिश अ जॉब इन 3 hours, तो एक्स टेक्स 3 hours एंड वाई टेक्स 4 hours, तो इफ दे डू अ जॉब ऑल टुगेदर दे टेक एक्स आवर्स. तो देखो ये जो एक्स है इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था ना, लेकिन अगर आपको ये फाइंड करना हो कि 1 घंटे में वो कितना काम कर लेंगे, सो यू जस्ट लेट दिस बी इन दिस फॉर्म ओनली. मतलब आप 1/x का आंसर निकालो क्या होगा, क्योंकि यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि वो 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे. दैट इज वॉट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस फ्रैक्शन 1/x. तो आपको 1/x का आंसर निकालना. तो इफ यू नीड टू फाइंड आउट कि वो 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, सो बेसिकली आपको यू जस्ट नीड टू मेक 1/x द सब्जेक्ट. बेसिकली आपका x सब्जेक्ट नहीं है, 1/x सब्जेक्ट है अब आपका. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर दिस क्वेश्चन इज यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 4,
3 into 4 plus 1 into 3 over 4 into 3. So basically 4 plus 3 upon 12. So it's going to be 7 over 12. And then that will be the answer of 1 over x. So basically wo 7 over 12 kaam kar lenge ek ghante mein. So that's what is the answer to this question. So guys, let's just look at this question now. A and B together can finish a job in 30 days. They worked together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the work? So yaar dekho, iske liye basically formula wahi lagega. 1 over A plus 1 over B is equals to 1 over 30. क्योंकि वो ए और बी अपना काम अगर दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो वो इतने दिन में इस काम को 30 डेज में इस काम को कंप्लीट करें. अब देखो यार, बी और ए का पहले तो साथ मिलके काम करे थे, फिर दोनों का झगड़ा हो गया, तो 20 दिन उन्होंने साथ काम किया. तो अगर एक दिन, क्योंकि मैंने एक और लास्ट क्वेश्चन में कराया था कि इफ़ दिस फ्रैक्शन बेसिकली शोज व्हाट इट शोज दैट हाउ मच वर्क इज़ डन इन वन डे. So if this is how much the work is done in one day, so if you multiply it by 20, you get that how much work is completed. So this much work is completed. Let's suppose the work was 1. So 1 minus 2 over 3, like which is the number of, like the amount of work done. So we are basically left at 1 over 3. That 1 over 3, 1 over 3rd of the work is left. So now A works for another 20 days. And we need to find out that how much was the total, in how many days A can alone finish the work. Basically हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि A कितने दिन में अपना काम कंप्लीट कर सकता है अगर वो अकेले काम करे तो. तो यार आप देखो, A को जो काम कंप्लीट करना है दैट इज़ 1 over 3 एंड ही टेक्स 20 days फॉर दैट. तो 1 over 3 ऑफ द टोटल वर्क दैट A नीड्स टू डू. तो X इज द टोटल वर्क, तो 20 multiplied by 3 is 60. So 60 is the number of days A will take to do the job completely, ke usko B ko bulana bhi nahi pade. Alright guys, so let's just look at this question now. With the end of this question, we'll be concluding today's lecture also. Ab dekho yaar, ek scenario sochte hain. Let's suppose there is a pool that is there, and that there are two pipes to fill in that pool. Ab there is pipe 1, pipe 2 that are used to fill in the pool, and then there is pipe 3 as well, which is used to empty the pool. अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली होगा ये कि all three pipes will be open together to fill in the pool. अब हमें क्या करना होगा, अब हमें, अच्छा अब जो ये बेसिकली दो पाइप्स जो होंगे इसमें से वो भर रहे होंगे पूल को और एक एम्प्टी भी कर रहा होगा, लेकिन ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे ना पूल अपनी टॉप पर आ जाएगा, क्योंकि जो पाइप्स उसको भर रहे होंगे ना वो तेज़ी से भर रहे होंगे और जो खाली कर रहा होगा ना वो थोड़ा स्लो खाली कर रहा होगा. ये मतलब ये असम्पशन होती है एक. तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कितनी दिन में वो, ये कितनी देर में, कितने टाइम में बेसिकली वो खाली कर देगा पूल को, या सॉरी पूल को फुल कर देगा. तो इसके लिए देखो एक फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ देयर, एंड दैट फार्मूला इज बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने बस ये चेक करना है कि कितनी देर में पूल फुल हो जाएगा. तो अब देखो इसका फार्मूला क्या है, वन ओवर द टाइम पाइप वन टेक्स टू फिल इन दैट पूल व्हेन इट वर्क्स सोल्ली, मतलब अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा पाइप वन को पूरा पूल भरने में. फिर इसी तरह जो दूसरा पाइप यूज़ हो रहा होगा पूल भरने में उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेले काम करेगा, तो 1 over A + 1 over B माइनस द 1 over C, क्योंकि अगर सी वाला को कितना टाइम लगेगा पूल को पूरा खाली करने में. देखो ये ए जो है ना ये दिखा रहा है कि अगर पाइप वन अकेले होता तो कितनी देर में पूल को भरता, ये बी जो है ये दिखा रहा है कि अगर पाइप टू अकेले पूल को भर रहा होता तो कितनी देर में भरता, और ये पाइप सी, ये जो सी है ये बता रहा था कि अगर पाइप थ्री पूल को खाली कर रहा होता तो वो कितनी देर में खाली करता. दिस इज इक्वल्स टू 1 over x. अब वेयर, व्हाट इज दिस x? x इज द टाइम दैट विल बी टेकन व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर. देखो ये इनके जब ये इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं उसके रेट्स हैं इनके,
ए भर रहा होता, बी भर रहा होता, सी माइनस कर रहा होता, अगर ये इंडिविजुअली काम कर रहे होते। लेकिन ये जो बेटा एक्स है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है कि आपका कितनी देर लगती है इस पूल को जब ये तीनों साथ मिलके काम कर रहे थे भरने में। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे और आप सारों के क्वेश्चन से इंडिविजुअल रेट्स फिगर आउट करोगे और इस फॉर्मूला में डालोगे, एंड यू विल सॉल्व फॉर एक्स व्हिच इज़ द टाइम टेकन टू फिल इन दैट पूल व्हेन ऑल थ्री पाइप्स आर ऑपरेटिंग टुगेदर। अब इस केस में हो सकता है कि एक पाइप भर रहा हो और एक खाली कर रहा हो, तो उसमें आप एक फ्रैक्शन भरने वाला ले लोगे, सब्ट्रैक्ट माइनस करोगे वो वाला पाइप से के फ्रैक्शन से जो खाली कर रहा हो, या फिर तीन पाइप्स भर रहे होते एक खाली कर रहा होता तो उसमें फिर तीन ये भरने वाले फ्रैक्शन हो जाते, ये एक खाली करने वाला फ्रैक्शन हो जाता। सो इट विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मूला विल स्टे द सेम। सो नाउ लेट्स जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। इट सेज दैट पाइप ए एंड बी कैन फिल इन अ टैंक इन 5 and 6 hours रिस्पेक्टिवली, पाइप सी कैन empty it in 12 hours. If all the three pipes are open together, then the tank will be filled in. So, yeah, let's just solve this question. So, the question, तो अब देखो A जो भर रहा है वो 5 है, plus 1 over 6 है, minus 1 over 12 है, क्योंकि वो अब स्टेट से खाली कर रहा है। अब देखो इसको x के लिए सॉल्व करना है तो LCM लेना पड़ेगा, LCM आगे इसका 60 आएगा, तो 12 से होगा 12 प्लस 10 माइनस 5 ओवर 60 इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स, तो 22 माइनस 5 विल बी 17 ओवर 60 इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स। नाउ वी नीड टू सॉल्व फॉर एक्स, सो वी विल रेसिप्रोकेट, सो इट विल बिकम 60 ओवर 17, देन दिस इज गोइंग टू बिकम 3 होल 9 अपॉन 17, सो दैट मीन्स द आंसर विल बी सी। So that's it for this concept. The questions to practice all these work problems or tank problems are there in the worksheet for work problems. Do all these questions, just like from this video, all you need to understand that how do we use these formulas and what rates are and everything. बस आप फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो आपने देख लिया, नाउ टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज ऑफ कोर्स सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी करो, एंड फॉर प्रैक्टिस जस्ट गो एंड डू द वर्कशीट आफ्टर यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला। ठीक है जी, सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो नाउ, अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।